अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? लास उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं पराठा रोल। अच्छा, जिसके लिए हमने लिया है ये डेढ़ कप जो है हमने मैदा लिया है। इसमें हमने आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम हमने नमक लिया, थोड़ा कम, और हमने एक चम्मच इसमें तेल मिल गया। अब इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। ये देखें, इसे मैंने गूंद लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रहने देंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। अच्छा देखें, मैंने इसमें से एक रोटी का निकाल लिया। हम इसमें पराठा बनाना शुरू करते हैं। एक रोटी का निकाल के बाकी 3 पराठे का हमें इसको रखते हैं। देखें, मैंने इस तरह कर रही हूँ, इसको पराठा बनाऊंगी, पराठा बन जाएगा ये। अच्छा, मैंने इसको इतना बेल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अब इसे मैं तलूंगी। अच्छा देखें, हमने पराठा तो बना लिया। अब हम बनाएंगे इसके अंदर फिलिंग के लिए, हम गोश्त बनाएंगे इसका, बोटी। ये देखें, बोटी मैंने इस साइज़ की काट ली है, ना ज़्यादा छोटी है ना बड़ी है। अच्छा, इसके लिए हम करेंगे, पहले हम डालेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून ऑयल है, उसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, पूरा गोश्त डाल देंगे। अच्छा, इसे हम मिक्स करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, बोटियों में हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच, आधा चम्मच नमक, फिर ये कुछ स्पाइस है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच दही हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली पिसी मिर्च। इसको डाल के हम मिला लेंगे। अच्छा इसमें 1 चम्मच हम दही डाल देंगे, 1 बड़ी चम्मच दही डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसे उतार लेंगे। देखिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये फिलिंग के लिए तैयार है। अच्छा, हम रोल में थोड़ा सा आलू की फिलिंग करेंगे फ्राइज की। इसके लिए हम देखें, इस पर हमने थोड़ा सा जो हमने मैदा निकाला था वो डाल देंगे, और ये थोड़ा सा नमक का छिड़काव उस पर कर देंगे, और इसे हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस आलू को हम डालेंगे इसमें, फ्राइज की तरह कर लेंगे, इसको फ्राइज कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा और नमक डाल के मैं इसलिए तल रही हूँ कि थोड़े कुरकुरे अच्छे हो जाएंगे ये। ये देखिए, मैंने पराठा लिया, इसके अंदर ये ग्रीन हरी चटनी डाली, इसको पूरी फैला लेंगे हम। थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हरी चटनी को अच्छी तरह फैला लेंगे।
इसके अंदर हम थोड़ा सा केचप भी ले लेंगे, थोड़ा केचप लेके इसको भी फैला लेंगे। चलो फैल लिया। अब इसके बाद हम इसमें बूटी की फिलिंग करेंगे, बूटियाँ जो हैं। अब इसके अंदर ये फ्राइज डालेंगे जो हमने फ्राइज बनाई थी, ये फ्राइज डालेंगे। इसके बाद हम इस पर प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा हम ये इसमें रेंच है, मायनीज की तरह होता है ये, थोड़ा सा इसमें हम रेंच डाल देंगे। इससे भी टेस्ट अच्छा आता है और इसे हम आराम से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फोल्ड हुआ ये। अब इसे हम रैप कर लेंगे। इसे हाथ से दबाएंगे थोड़ा इस तरह ताकि ये खुले ना। ये देखें इसको हम इसे काट के दिखाते हैं आपको। देखें इस तरह का तैयार हुआ है। ये देखें बहुत अच्छा रोल पराठा है। इसे आप भी खाएं, लोगों को खिलाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।